पहली बार भट्टी में आए हैं, इससे पहले
कभी नहीं आए थे वो हाथ उठाए और बहुत है। ठीक है ठीक है। हाँ जी हाँ जी, यहाँ आकर के 7 दिन की भट्टी में बहुत बहुत सी पुरानी बातों का निराकरण हुआ होगा और बहुत से नए नए प्रश्न भी पैदा हुए होंगे। बहुत सारे प्रश्नों का समाधान भी हुआ होगा। परंतु फिर भी कुछ बातें अगर रह गई हैं तो बाहर की दुनिया में जब पहुंचेंगे तो बातें चौड़ी हो जाएंगी। माया के प्रभाव से वो अनिश्चय में ले आवेंगी। इसलिए यहाँ से जाने से पहले एक एक बात का निराकरण करके जाना। अंदर में कोई ऐसी बात रह ना जाए जिसमें मन कचोटता रहे कि हम संतुष्ट नहीं हुए। इसलिए मुरली में बाबा ने बोला है कि तुम बच्चे बाबा से बातचीत करते हो, ये मुरली नहीं है क्या? माने बातचीत करना भी मुरली है। तो एक क्लास स्पेशल रखा गया है वार्तालाप का। छोटी छोटी बहनों ने तो समझाया ही, अभी कुछ रह गया है तो वो भी क्लियर कर लेना चाहिए। बाबा राजा आप छोटे से कैसे कौन सा राजा? ये अभी जो बात सुनाई थी वो नयो नयो के लिए सुनाई है। टीवी आज देखने या शास्त्र आदि पढ़ने वालों के लिए, पुराने लोगों के लिए नहीं सुनाई। जब नए लोग नहीं पूछेंगे तब पुराने पूछें। हाँ जी है? एक माता जी कह रही, मैं तो सब बातों में संतुष्ट हूँ, मुझे कोई संशय पैदा नहीं हो रहा है। जैसे अर्जुन ने आखिरी अध्याय में कहा, छिन्न संशय है, मेरे सात संशयों का समाधान हो गया, करिष्ये वचनम तब, अब आप जैसे चलाएंगे वैसे चलूंगा। हाँ जी है, कृष्ण का जन्म बाद में होता है, पहले राधा का जन्म होता है। सत्युग में तो राधा कृष्ण का जन्म साथ ही साथ होता है, एक सेकंड का अंतर होता है, पहले बच्चे का जन्म फिर बच्ची का जन्म। बाकी शास्त्रों में जो लिखा हुआ है कि राधा बड़ी थी और कृष्ण 2-3 साल छोटा था, वो यहाँ ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में शूटिंग पीरियड की बात है। जो राधा के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली चंद्रवंशी राधा है, जो चंद्रवंश में पल रही है, वो जब ज्ञान में जन्म लेती है उसके 2-3 साल के बाद संगमयुगी कृष्ण ज्ञान में आता है। इसलिए राधा को 2-3 साल बड़ा दिखाया है।
और कृष्ण को 2-3 साल शास्त्रों में छोटा दिखाया है। जोर से बोला, आवाज नहीं आ रही हमारी तक। बाहर की दुनिया तो रावण संप्रदाय की दुनिया है और ये तो ब्राह्मण संप्रदाय की दुनिया है। आप आकर के बच्चियों को प्रेफरेंस देते हैं या बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं? है? कन्याओं माताओं को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, या भाइयों को आगे बढ़ाते हैं? क्यों? क्योंकि कलयुग के अंत में आकर के कन्याओं माताओं को सारी दुनिया ने नीचे गिराया है, इसलिए कन्याओं माताओं को आगे बढ़ाते हैं। अभी भी बेसिक नॉलेज में और एडवांस नॉलेज में कहीं भी किसी भी सेंटर में, मिनी मधुवन में, मधुवन में जाके देख लें, कन्याओं माताओं की संख्या ज्यादा है या भाइयों की संख्या ज्यादा है? तो यहाँ बात दूसरी हो जाती है, क्योंकि कन्याएं माताएं ज्ञान को ज्यादा गहराई से धारण करती है, पवित्रता की, प्योरिटी की भाषणा ज्यादा होने के कारण। पुरुषों में इतनी प्योरिटी नहीं होती है, इसलिए वो ज्ञान की धारणा इतनी ज्यादा नहीं कर पाते हैं। इसलिए सड़क के गोट खोलने के लिए निमित्त माताओं कन्याओं को बनाया गया है। और ऐसा चिट चैट है, ऐसे ही बुद्धियों को आपस में एक दूसरे में भरमाते रहते हैं, इससे ज्ञान का कोई कनेक्शन नहीं है। अंधश्रद्धा अंधविश्वास थोड़े ही है कि जिसकी चिटकी में रावण आ जाए वो रावण बनेगा। उनको छोड़ो। हाँ जी, झाड़ के चित्र में बताया है कि सभी आत्माएं शंकर के साथ जा रही है, और षष्ठी चक्र के चित्र में बताया है कि सभी आत्माएं ब्रह्मा सरस्वती के साथ जा रही है। ये दो तरह की बातें क्यों बताई गई? जिस समय षष्ठी चक्र का चित्र बना था उस समय पहले पहले त्रिमूर्ति का भी चित्र बना था आदि में, साक्षात्कार के आधार पर। त्रिमूर्ति का चित्र जो बना था उस समय तीनों मूर्तियां मौजूद नहीं होती हैं यज्ञ में। जब तीनों मूर्तियां मौजूद ही नहीं है तो शशि के माता पिता कैसे प्रत्यक्ष हो सकते हैं? शशि के माता पिता
ब्रह्मा सरस्वती को दिखाया गया है। वास्तव में ब्रह्मा सरस्वती को माता पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि मुरली में बोला है इन ब्रह्मा सरस्वती को भी मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ब्रह्मा को भी जन्म देने वाला कोई यज्ञ पिता और था, और मम्मा तो बाद में आई थी। मुरली में बोला है कि न मम्मा बाबा को भी दिल सिखाने वाले कोई यज्ञ में आदि में थे, इनको डायरेक्शन देते थे, ध्यान में जाते थे, इनकी बातों को रिगार्ड दिया जाता था मम्मा बाबा के द्वारा। इससे साबित हो जाता है कि यज्ञ के आदि में माता पिता कोई और थे। लेकिन तो खुदा न खास्ता उन्होंने थोड़े समय के बाद शरीर छोड़ दिया, तो वो मूर्तियां तो यज्ञ में रही नहीं, इसलिए उनका टाइटल जिनको मिला उनको चित्रों में दिखा दिया गया। बाद में झाड़ का चित्र तैयार हुआ, उस झाड़ के चित्र में बाबा ने समझाया कि ये झाड़ का चित्र सब धर्म वालों की समझ में आने योग्य है, दूसरे दूसरे धर्म के लोग झाड़ के चित्र पर जास्ती समझेंगे, क्योंकि हर धर्म के लोग एडम और आदम को मानते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती को सारी दुनिया के लोग नहीं मानेंगे माता पिता के रूप में, क्योंकि ब्रह्मा और सरस्वती का कनेक्शन सिर्फ ब्राह्मणों से है, और जो सारी सृष्टि का पिता है उसका कनेक्शन हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब धर्म वालों से है। इसलिए झाड़ के चित्र में शंकर का चित्र दिखाया है, संपन्न स्टेज में आकारी स्टेज में दिखाया गया है, फरिश्ताई स्टेज में दिखाया गया है, क्योंकि दूसरे धर्म वाले फरिश्तों को मानते हैं, देवताओं को नहीं मानते, और भारत के लोग देवताओं को मानते हैं, फरिश्तों को नहीं मानते। इसलिए झाड़ के चित्र में सब धर्मों की बात है, इसलिए दिखाया गया है कि शंकर के द्वारा सब धर्मों की आत्माएं परमधाम वापस जा रही है। और कौन? नाम लिया जाता है लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सीताराम, तो जो नाम लिया जाता है उसमें आगे स्त्री जाति को रखा। माता का कहना है कि जगदम्बा का नाम क्यों नहीं आगे दिया, लक्ष्मी का नाम आगे क्यों दे दिया? क्योंकि ज्ञान में तो लक्ष्मी बाद में आती है, एडवांस में, और जगदम्बा तो ज्ञान में पहले आती है। लेकिन अव्यक्तवाणी में बोला है कि निभाने वाले के ज्यादा नंबर बनेंगे या ज्ञान लेने वाले के ज्यादा नंबर बनेंगे। इसलिए जो लक्ष्य है नारी से लक्ष्मी बनने का, वो ही प्राप्त करता है जो अंत तक निभाता है। अगर अंत तक नहीं निभाता
विष्णु जगदम्बा का पद हो सकता है, दूसरी देवी का पद हो सकता है, महाकाली का पद हो सकता है, लेकिन लक्ष्मी का पद नहीं हो सकता। कहो 16 साल कहो, वो कोई खास अंतर नहीं है। ब्रह्मा को प्रत्यक्ष होने में सन 36 से लेकर के और जब तक माउंट आबू में आए तब तक ब्रह्मा संसार के सामने प्रत्यक्ष हुआ नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नामकरण ही तब हुआ जब माउंट आबू में आ गए, और माउंट आबू में आने के बाद दिल्ली में सबसे पहला सेवा केंद्र खोला, कमला नगर सेवा केंद्र, और उसका नामकरण दिया गया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो सन 36 से लेकर के और 50, 51 तक कितने साल हुए जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माना ब्रह्मा प्रत्यक्ष हुआ? सोलह साल हो गए कि नहीं? इसलिए कहा गया 16 साल। उससे पहले दुनिया वालों को पता नहीं था ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का और ब्रह्मा का। ब्रह्मा के द्वारा कौन सा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय खुला है, कौन ब्रह्मा होता है, कौन से ब्रह्मा ने ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की स्थापना की है, दुनिया की बुद्धि में नहीं था। ये 16 साल लग गए, इसलिए कहेंगे कि ब्रह्मा की मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 16 साल लगे। क्योंकि उनके धर्म का विनाश होता है, उन्होंने जो प्रजा रखी है, जो इतनी अभी तक मेहनत की है, वो सब सब खलास होने वाली है, तो अपना विनाश कौन चाहेगा? जैसे बिल्ली है, कबूतर है, कबूतर के सामने जब बिल्ली आती है तो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है, बिल्ली आई नहीं। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं शंकर होता ही नहीं, जबकि सारी दुनिया शंकर को और विष्णु को मानती है, सारी दुनिया में शंकर और विष्णु को भगवान के रूप में मान्यता है। मंदिर बने हुए हैं, मूर्तियां बनी हुई हैं, तो मानना ही पड़ेगा। और वो क्या कहते हैं, शंकर और विष्णु प्रैक्टिकल में होता ही नहीं, उनको कहने दो। सतयुग और त्रेता में भाषा नाम मात्र की होती है, वहाँ इशारे से सारा काम होता है, क्योंकि वहाँ बुद्धि की तीक्ष्णता होती है, बुद्धि की एकाग्रता होती है, मन बुद्धि विचलित नहीं होती, चंचल नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा वाइब्रेशन भी दिया तो दूसरी आत्मा सामने वाली समझ जाती है। हमारा भी जब कॉन्सेंट्रेशन परिपक्व स्टेज में पहुंच जाएगा तो हमको जास्ती बोलने की दरकार नहीं रहेगी।
आमने सामने की तो बात ही छोड़ो, दूर बैठे व्यक्ति को भी हम कोई संदेश देना चाहेंगे तो मोबाइल की दरकार नहीं होगी। शांति धाम में वाचा होती है? शांति धाम में कोई वाचा नहीं होती है। तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो इस सृष्टि पर जहाँ संगठित रूप में ब्राह्मण परम धाम की स्टेज को उतारेंगे वहाँ बोल बोल ज्यादा करेंगे क्या? बोलने की दरकार ही नहीं रहेगी। ये बोल बोल तब शुरू होता है जब वाचा में आना, देहभान में आना शुरू होता है, तब बहुत बोलते हैं। तो द्वापर युग से ये शास्त्र वगैरह बनना शुरू हुए और बोल 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 शुरू हो गया। पहले वाचा की दरकार ही नहीं थी। हाँ, देवियों को डुबा देते हैं पूजा करके। यहाँ जब एडवांस में आते हैं तो एडवांस में आने से पहले बेसिक नॉलेज को मैं जिनको देवियाँ समझते थे उनके ऊपर बहुत धन अर्पण करते हैं, मकान देते हैं, कपड़े देते हैं, खाने पीने की वस्तुएं देते हैं, अपने बच्चों को भले न दें लेकिन उनको अर्पण करते हैं। फिर जब एडवांस में आ जाते हैं तो जो डूबी जा हो जाती है कर देते हैं। तो ये भक्तों की बातें हैं। जैसा बेसिक में हुआ है ऐसा एडवांस में भी हो सकता है आगे चल के। क्योंकि जब एक बाप सच्चा प्रत्यक्ष होता है तो चाहे गणेश हो, चाहे हनुमान हो, चाहे देवियां हो, उनकी सबकी देहधारियों की पोल पदरी हो जाती है, पोल पट्टी सबकी खुल जाती है, सब में कमजोरियां समाई हुई हैं। एक बाप ही सच्चा है और बाकी सब सब देहधारी मनुष्य झूठे साबित हो जाते हैं। और राधा बच्ची ब्रह्मा बाबा को ज्ञान देने की निमित्त बनती है। हाँ जी, ब्रह्मा बाबा को जन्म देने के। हाँ, एक होता है ज्ञान मुख से सुनाना, मुख से बोलना, और एक होता है ज्ञान अपनी एक्ट में दिखाना। ज्यादा फाउंडेशन कौन सा गहरा होता है? अपनी चलन से, अपनी एक्ट से, अपने वाइब्रेशन से, दृष्टि से, वृत्ति से ज्ञान प्रत्यक्ष होता रहे वो ज्यादा श्रेष्ठ है, या ज्ञान का बोल बोल करके दूसरों को सुनाना ये ज्यादा श्रेष्ठ है? क्या ज्यादा श्रेष्ठ है? जगदम्बा कलश धारण करती है और लक्ष्मी बांटती है, किस आधार पर? वो प्लानिंग पार्टी में है और वो प्रैक्टिकल पार्टी में है, तो प्रैक्टिकल का ज्यादा महत्व होता है या प्लानिंग का ज्यादा महत्व होता है? प्रैक्टिकल का ज्यादा महत्व होता है। आया समझ में? बाप
हाँ, माता जी का कहना है कि शिव बाप आते हैं तो पतित तन में आते हैं, पवित्र कन्या के तन में आ नहीं सकते। तो राम वाली आत्मा तो पहले कुमार होती है देश ज्ञान में, तो कुमार में शिव बाप कैसे आ गए? तो बाबा ने बोला है सबसे जास्ती पतन होता है टीवी देखने से, फिल्म देखने से और उपन्यास पढ़ने से। जो उपन्यास पढ़ते हैं, फिल्म देखते हैं, उनकी आत्मा का सबसे जास्ती पतन हो जाता है। तो मेंटलिटी जब जास्ती गिरेगी तो शारीरिक क्षीणता भी जास्ती होती है और मानसिक क्षीणता भी जास्ती होती है। उसको पतित कहा जाता है। पतित माना क्या? स्त्री और पुरुष की जो शक्ति है रज और वीर की, उस शक्ति को धारण करना वो है पावन बनना। और वो शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जाए उसको कहते हैं पतन में जाना। उससे दृष्टि भी पतित होती है, शक्ति भी पतित होती है, तन भी क्षीण होता है और तन में लगाया जाने वाला धन भी क्षीण होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आज के कुमार जो ऊंची ऊंची पढ़ाइयां पढ़ लेते हैं बाहर की दुनिया में रह करके, वो पावन होते हैं, कोई गारंटी नहीं है। कुमारियों को भी मना कर दिया है, डागली पढ़ाई नहीं पढ़ना है। तो जो कुमार ऊंचे से ऊंचे स्तर की डागली पढ़ाई पढ़ेंगे अपने जीवन में, तो दुनियावी संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो पतित बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो शरीर टिर्री हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? मनसा भी टिर्री तो तन भी टिर्री। वो ही एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जो स्वस्थ होगा उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी, जो स्वस्थ मनसा वाला होगा, और वो ही सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जो पतित मनसा वाला होगा उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी सप्लीमेंट्री या फेल हो जाएगा, बार बार फेल होगा। जो अकाले मौत में शरीर छोड़ते हैं उनकी आयु पूरी नहीं होती। आयु पूरी न होने की वजह से वो आत्मा भटकती रहती है। और उसका एक और कारण ये है कि जिनकी अकाले मौत होती है उसका कारण ये है कि उन आत्माओं के ऊपर पाप का बोझा जास्ती बढ़ जाता है। वो जास्ती बोझा और जास्ती न चढ़े इसलिए उनको अपना शरीर नहीं मिलता, वो दूसरे के शरीर में प्रवेश करके कार्य करते रहते हैं उल्टा पलटा। इसलिए
ऐसी आत्माएं भटकती रहती हैं, तुरंत जन्म नहीं लेती। जब उनका पापों का बोझा हल्का हो जाता है तब उन्हें जन्म मिल जाता है, हैं? भटकती होती है। और जैसे हमने पट्टी पूरी की और आपका मिलना हो गया जो हमने सोचा भी नहीं था, उसको क्या कहेंगे? और आत्माएं हैं, चार चार साल हो गए बच्ची किए हुए, चार साल हो गए उनको गीता पाठशाला खोले हुए, संगठन अटेंड करते हुए, और उनको नहीं मिलना हो पाया। और आपने पूर्व जन्मों में कुछ ऐसे कर्म किए हैं कि 7 दिन की भट्टी पूरी की और फटाक से आपका मिलना हो गया, तो भाग्यशाली हुए ना। जो कहेंगे क्या भट्टी का फल कहेंगे? योग नहीं, बोली योग का। अच्छा एक बाबा छोटा क्वेश्चन और है। जैसे आप आज भी बताया ना, जितना जात करेंगे उतने भी कर्म विनाश होंगे। ये तो हो गया जात पे विकर्म विनाश करना है। जो आपसे मिलना 3 घंटे का हुआ, इसमें कितने विकर्म विनाश होंगे? मिलने से जुलने से विकर्म विनाश नहीं होते, लेकिन मिलने के बाद जो स्मृति आती रहती है, स्मृति आएगी या नहीं आएगी? कोई भी हमको सुख देता है तो सुख देने वाला याद आता है या नहीं आता है? तो जो याद आती रहती है वो याद से हमारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। और फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। पहली बार मिलने में जो बात होती है, गहराई होती है, वो बाद में उतनी नहीं होती, इसलिए फायदा ही फायदा है। कहते हैं महानारायण और नारायण, कहते हैं लक्ष्मी और महालक्ष्मी। तो जब महानारायण कहते हैं तो पुरुष चोला पुरुष आगे कर दिया जाता है, और जब महालक्ष्मी कहते हैं तो स्त्री चोला और स्त्री हाथ आगे हो जाते हैं। कभी स्त्री चोला आगे बढ़ के पार्ट बजाता है संगम युग में, और कभी पुरुष चोला आगे बढ़ के पार्ट बजाता है। इसलिए पार्ट के ऊपर है कब महानारायण और कब महालक्ष्मी। हर आदमी के चारों ओर एक वो वृत्त घूमता रहता है उसके संकल्पों का, वाइब्रेशन का। जैसे जैसे संकल्पों का, दुष्ट संकल्पों का व्यक्ति होगा तो उसके वाइब्रेशन चारों तरफ, उसका वृत्त उसी तरह का घूमेगा। और श्रेष्ठ संकल्पों का व्यक्ति होगा तो उसके चारों तरफ वैसे ही वृत्त घूमेंगे। तो जो आत्माएं उनके कनेक्शन में आती हैं, उनके ऊपर उसका संग का रंग लगता है। इसलिए कहते हैं कि जैसे आत्मा रूपी बैटरी होती है, वो बैटरी दूसरी बैटरी से जोड़ दी जाए तो एक बैटरी खाली होने लगेगी और दूसरी भरने लगेगी। ऐसे ही ये संग का रंग लगता है। उदाहरण के लिए नेहरू जी इतनी सशक्त आत्मा थे कि जब वो सामने जाते थे तो कोई भी व्यक्ति कितना भी पीछे से ग्लानिंग करने वाला हो नेहरू जी की, जब सामने आता था तो उनके वाइब्रेशन से अभिभूत हो जाता था और उनके अनुकूल बातें करने लग पड़ता था। उसको
ज्ञान की भाषा में कहा गया है पारसनाथ। मंदिर में पारसनाथ का मंदिर भी दिखाया गया है। ये हम बच्चों की संपूर्ण स्टेज की यादगार है। जब हमारी संपन्नता भरी स्टेज बनेगी तो जो भी आत्मा हमारे संपर्क में आएगी, संसर्ग में आएगी, दृष्टि के तले आएगी, वाइब्रेशन के नजदीक आएगी, वो परिवर्तन होने लगेगी। हमको ज्यादा बोलने की भी दरकार नहीं रहेगी। अभी तो कितनी बाचा चलानी पड़ती है, कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती है, तब दूसरी आत्माओं का परिवर्तन होता है। होता है नहीं भी होता है। उसको कहते हैं वाइब्रेशन की शक्ति, वाइब्रेट। अज्ञान की दुनिया से निकल रहे हैं। जो बीके वाली दुनिया है वो अज्ञान की दुनिया है, और एडवांस की दुनिया है ज्ञान की दुनिया है। इसलिए उनके चेहरे के चारों ओर रोशनी दिखाई गई है। मुख से ज्ञान निकलता है, रोशनी निकलती है, ज्ञान की रोशनी। और कहाँ है उनको चौरा, कैसे मालूम 84 जन्म है उनको, जिन्होंने पहले ही शरीर छोड़ दिया, जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। तो ब्रह्मा बाबा के ज्यादा जन्म, या ब्रह्मा बाबा को जन्म देने वाला जो उनका माँ बाप होगा उसका ज्यादा जन्म, ज्यादा ऑलराउंड पार्ट कौन बजाएगा? ब्रह्मा को जन्म देने वाला ज्यादा ऑलराउंड पार्ट बजाएगा या ब्रह्मा बजाएगा? बोलो, जन्म देने वाला ज्यादा ऑलराउंड पार्ट बजाएगा? ब्रह्मा के तो 50 साल कम हो गए अपने शरीर से, उन्हें जन्म ही नहीं मिलता। तो ऐसे ही जो और दीदी दादियां दादाएं हैं जो शरीर छोड़ते जा रहे हैं, उनके कम जन्म होंगे और हम बच्चों के पूरे 84 जन्म होंगे। लेकिन हम बच्चों में भी वो जो कोई देहधारी के प्रभाव में नहीं आते, कोई दूसरी पार्टी में नहीं चले जाते, एक को ही फॉलो करते हैं आदि से अंत तक। धार के चित्र में तुमने क्या दिखाया है? उनका कहना क्यों मानू, धार का चित्र तो बाबा ने बनवाया ना साक्षात्कार से, तो तुम्हारी बात माने, दीदी दादी देहधारी धर्मगुरुओं की बात माने या बाबा की बात माने? दिखाओ उनको चित्र, आप दिखाओ ना उनको चित्र। ये चित्र तो आपके ही जमाने का बना हुआ है, इसका मतलब आप उनसे प्रभावित हो जाते हैं। अगर उनकी बात सुन ली और धारण कर ली और बार बार याद आती है तो प्रभावित होना, कहा प्रभावित माना प्रजा, अभी नहीं बनना उनकी प्रजा, फटाक से जवाब देना। बोलने लगी कि जब तुम वहाँ जाती हूँ
ठीक है, उनको बता देते कि पूर्व जन्म में जब हम राजा थे तो हमने अपनी राजाई से आपको बाहर निकाल दिया था, आपने अपने सेंटर से बाहर निकाल दिया, हमारा हिसाब किताब पूरा हो गया। लेकिन जो चित्र दिखाते हैं उन चित्रों में काली माँ के सर पे जो ताज रखा हुआ है उसमें शंकर का चित्र दिखाते हैं, माने उसकी बुद्धि में वो ही बसा हुआ है और संसार को दिखाने के लिए अपमान कर दिया ताकि दुनिया मुगालते में पड़ जाए। ये भी एक परीक्षा है। सोचता है इसलिए उसको मनन चिंतन मंथन करने की दरकार नहीं, वो 84 जन्म ही नहीं लेता तो उसको मंथन करने की दरकार है। मनुष्य आत्मा 84 जन्म लेती है इसलिए उनको मनन चिंतन मंथन करना पड़े। हाँ जी क्या जो विकारी आत्माएं हैं कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी वो उनसे चिपक के रहते हैं तो भी उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, जैसे चंदन का वृक्ष होता है सुगंध छोड़ता है और उसमें सर्प चारों तरफ लिपटे रहते हैं तो उसमें विष बढ़ जाना चाहिए लेकिन वो विषैला नहीं होता। विषधरों के लिपटे हुए रहने के बावजूद भी वो सुगंध छोड़ता रहता है तो ऐसे ही शंकर का पार्ट है। भारत में तो हर चीज सुरक्षित रहती है, निकल जाएगी तो बाहर आ जाओगे। जब बर्फ में चोला दब जाएगा तो आत्मा तो ऊपर चली जाएगी और जब वो बर्फ से बाहर निकलेगा तो आत्मा उसमें प्रवेश कर जाएगी। विधवाएं होती है तो होती नहीं ना। सतयुग में कोई विदुर नहीं होगा और सतयुग में कोई विधवा भी नहीं होगा, वहाँ बिछड़ना नहीं होता और यहाँ इस दुनिया में बिछोड़ होता है, बिछड़ना होता है, ये भी एक बहुत बड़ा दुख हो जाता है। वहाँ कोई प्रकार का दुख नहीं होता, साथ साथ जन्म लेना और साथ साथ शरीर छोड़ना। हाँ जी अष्ट रतन नहीं बन गए, अष्ट देव उनका रिजल्ट खुलना शुरू हुआ। उसके कहने से आपने पूछा नहीं। हाँ तो वो फोटो हमें भी दे दो एक, जैसे जैसे भक्ति मार्ग में अष्ट देवताओं का फोटो दिखाते हैं चित्र दिखाते हैं तो ऐसे कहो भक्ति मार्ग में तो वो चित्र दिखा देते हैं, अगर आपके यहाँ प्रत्यक्ष हो गए हैं तो वो फोटो हमको भी दे दो। नहीं मांगा आपने? नहीं मांगा। क्यों?
क्यों? उन्होंने कहा और आपने मान लिया? अगर सहज सहज कोई बात को मान लेते हैं और अपोजिशन नहीं करते हैं तो फिर समझो प्रजा बन गए। तो अच्छी बात है, एडवांस खराब होता है क्या? मुरली में भी तो बोला है, व्यक्तवाणी में भी तो बोला है एडवांस। एडवांस पार्टी बोला नहीं है क्या? एडवांस माने आगे आगे जाने वाला, पीछे क्यों हटना चाहिए उसमें? और अकाल पड़ेगा उनको बाहर कैसे निकालेंगे? जो अकाल का असर है वो बाबा के बच्चों के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि बाबा कहते हैं ये ज्ञान रतन तुम्हारे लिए स्थूल रतन बन जाएंगे। तो जिनके पास ज्ञान जल होगा उनके पास अकाल पड़ ही नहीं सकता, दुनिया के लिए अकाल पड़ेगा। बाप के बच्चे भूख नहीं मरेंगे। अभी तो दुनिया में और धंधे ढेर सारे फैल रहे हैं ना, लेकिन भारतवर्ष में देखा जा रहा है कारखाने बंद होते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी मिलें बंद होती जा रही हैं, क्योंकि बाबा ने बोल दिया सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। तो आगे चल के ऐसा टाइम आएगा कि हमारा ईश्वरीय धंधा संसार में बोलबाला हो जाएगा और सब धंधे चौपट हो जाएंगे, तो ज्यादा पैसा किसको मिलेगा? बाबा के बने हैं क्या सारे भी धर्म प्राप्त होते हैं? सारे बाकी अगर बाबा ने सजाई देनी है 5.5 करोड़ आत्मा है क्या बाबा के बच्चे रह गए उसके लिए? बाप देखो जो जज होता है, जज के परिवार के लोग अगर पाप कर्म करें तो जज का काम क्या है? अपने परिवार वालों को छोड़ देना। रहत हो जाती। नहीं, वो आज के कलयुगी हजामती जज होते हैं जो, ये तो सच्चा पातशाह आया हुआ है, ये किसी को छोड़ता नहीं। और ही कहता है दुनिया वाले पाप करें तो एक गुना बोझ, और मेरे बच्चे अगर पाप कर्म करते हैं जानने के बाद पहचानने के बाद तो 100 गुना पाप का बोझ चढ़ता है। जो शालिग्राम जो होता है वो संपन्न बनी हुई वो आत्माएं हैं जिनकी भगवान के रूप में पूजा होती है। जैसे राम भगवान कहे जाते हैं, कृष्ण भगवान कहे जाते हैं, तो शालिग्राम के चारों तरफ बंधन होता है। बंधन का मतलब है वो बंधन में आने वाली आत्माएं हैं। शिव को बंधन नहीं होता है, शिव है निर्बंधनी आत्मा, सुप्रीम सोल। और जो भी आत्माएं हैं, जो ऊंचे से ऊंचे भगवान नहीं है लेकिन नंबरवार भगवान की कोटि में भक्त लोग मानते हैं, तो उनको बंधन दिखाया जाता है। उनको छोटे छोटे शालिग्राम के रूप में दिखाते हैं, माने उन्होंने छोटा छोटा कार्य किया है और भगवान ने बड़ा कार्य किया है। और मन का अर्थ क्या है? मन जो है वो लगातार चलता रहता है ना। मन रात में सोते समय भी कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है, और दिन में जागृत हुए भी मन कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है।
अनुभव होता है। मन कहाँ कहाँ भागता रहता है, उसको कहते हैं मन चंचल। और भगवान को मन कंट्रोल में होता है, इधर उधर भागता नहीं है, उन्हें कुछ सोचने विचारने की भी दरकार नहीं, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी है, सब कुछ जानता है। इसलिए उनको कहते हैं अमन। जिसको मन ही नहीं है वो ही अमन चैन शांति स्थापन कर सकता है, और जिसको मन है वो अमन नहीं बना सकता, अमन चैन स्थापन नहीं कर सकता, क्योंकि अपने ही मन को कंट्रोल नहीं किया तो सारी दुनिया में सुख चैन शांति स्थापन कैसे करेगा। पहले तो अपने अंदर सुख चैन शांति अनुभव होनी चाहिए। मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा सुख स्वरूप, तो दुनिया का कोई असर नहीं हो, उसको कहेंगे अमन बनाया। कुछ सोचने समझने की दरकार नहीं। जो भीष्म पितामह हैं वो सन्यासी दिखाए गए हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में जो बीज रूप आत्माएं और आधार मूर्त आत्माएं दूसरे धर्मों की हैं, वो सब सन्यासी हैं या प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं? सन्यासी हैं। राम वाली आत्मा और राम वाली आत्मा के फॉलोअर्स राम संप्रदाय उनको बाण पर बाण मारते चले जा रहे हैं, और वो बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि सूरज कब उत्तरायण हो जाए तब हम शरीर छोड़े, ताकि ऐसा ना हो जाए कि हम विधर्मी बन जाएं, विदेशी। कम से कम स्वदेशी तो बनेंगे, तो सन्यासी होते हैं स्वदेशी, और इस्लामी और क्रिश्चियन होते हैं मुस्लिम होते हैं विदेशी। इसलिए उनको बाणों की सैया पर दिखाया गया, 6 महीने पड़े रहे, इंतजार करते रहे जब तक सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण न हो जाए। दक्षिण में है आसुरी धर्म और उत्तर में है श्रेष्ठ धर्म। जो भारत है वो आखिरी जन्म में आते आते और धर्मों के संग में आते आते पतित बन जाता है, इतना पतित बन जाता है कि और दूसरे धर्म जो हैं उसको भीख देते हैं अन्न जल की। जैसे भारत को अभी 100 वर्षों में विदेशों से क्या लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, तब भारत का काम चलता है। अभी भारत के ऊपर अरबों खरबों शंखों उधार चढ़ा हुआ है, कांटों की सैया पर पड़ा हुआ है, माने दूसरे धर्म के लोग उसको ताने मारते रहते हैं कि तुम तो कहते हमारा भारत ऐसा था वैसा था, अभी कैसा है। अच्छा, बच्चा जब बीमार होता है हॉस्पिटल में दाखिल हो जाता है तो सवेरे को उठते हैं कि नहीं उठते हैं? चुप। हम ये पूछते हैं, सो बात बताओ, जिन दिनों बच्चा हॉस्पिटलाइज हो जाता है उन दिनों अमृत वेले नींद आती है कि नहीं आती है? हम जो बात पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए।
समय की पहचान न होने की वजह से ऐसा होता है, अलबेलेपन के कारण। जब विनाश का डंका शुरू हो जाएगा तो नींद भी सब उड़ जाएगी। बाबा, जब अपन याद में बैठे, जब साउंड है ना अपने गाने, भगवान के गाने, वो लगाना अच्छा है तो नहीं लगाना अच्छा है बाबा? बाबा बोलते थे कभी अवस्था खराब हो जाती है, चित्त अच्छा नहीं होता है, माया बहुत प्रकोप करती है, तो अच्छे अच्छे गीत रिकॉर्ड रखना चाहिए अपने पास। एक दो रिकॉर्ड लगा लिया बाबा की याद में बैठ गए तो चित्त अच्छा हो जाएगा। वो तो बचपने की बात बताई, अभी हम बचपने में नहीं है, एडवांस पार्टी के हैं। क्या एडवांस के लिए अभी डायरेक्शन निकला है, गीत गाना नहीं है, वास्तव में गीत सुनना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हम मनन चिंतन मंथन कर रहे हैं, हम दुनिया वालों को सुनाते हैं, विनाश सामने खड़ा हुआ है, अब आया कि अब आया, अब दुनिया को कहते हैं विनाश सामने खड़ा है और हम ढोल मजीरा बजाने में लगे हुए हैं। तो दो बातें हो जाती है ना, तो ऐसी दो बातें जो लोग सुनेंगे तो ज्ञान के ऊपर विश्वास ही नहीं करेंगे। और चलो टाइम हो गया तो